मौत के बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए मिट्टी हो गए। इन्ना लमर्दूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना उज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि कम पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया, कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया, हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आसमैन वायल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई, तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा, तेरा रब इसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा, कहा इस कमबख्त को बता, अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदारब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युहयिल उज़ाम व हिया रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वह बिकुल खल्क़िन अलीम, हर मखलूक पर उसकी नजर है, अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती, 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, गिजा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला यअज़ुब अन रब्बिक मिन मिथ्क़ाल ज़र्रा, एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। अइनमा तकूनु यअतबकुमुल्लाहु जमीअ, जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है, मैं मुख्तसर मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूं। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है यौमनु सय्युरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूं एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, इदा वक़ाति लवाक़िआ, उसने होना है, लैसा लवाक़ातिहा कज़िबा, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुटला कोई नहीं सकता। खाफ़िदतुर राफ़िआ, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, कैसे होगा, इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जमीन में जलजला, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, फकानत हबाअं मुनबस्सा, और पहाड़ थर थराए कप कपाए, रेजा रेजा हो गए। ये एक दिन आने वाला है, यौम तशक्कक़ अस्समा, आसमान फटेगा, इज़ा अस्समा उन्फतरत, व इज़ल कवाकिब उन्तफरत, व इज़ल बिहार फुज्जरत, व इज़ल कुबूर बुअसरत, हर शय उखड़ उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया, इज़ा अश्शम्स कुव्वरत, सूरज, व इज़ा अन्नुजूम उन्कदरत, सितारे, व इज़ल जिबाल सुय्यरत, पहाड़, व इज़ल इशारु उत्तलत, जानवर, वैदल बिहार सुज्जरत, ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है, वयबका वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है, सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? अल्लाह को पता कौन बाकी, जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और चार फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी, वो कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो, तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील मिकाईल इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मिकाईल मर जाए,
تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، فقط قتلت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکا ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جس کو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی، تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی، کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک